हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से हमारा तिवारी कार ब्रांड भाई आज फिर से शोकेस करने वाले हम आपको मारुति की ब्रेजा। तो भैया क्या कुछ लेके आए हो, क्या कुछ मॉडिफिकेशन, कौन सा वेरिएंट था ये? भैया ब्रेजा की अपनी बेस मॉडल रहने वाला है एलेक्साई था ये। हाँ जी, गाड़ी अपनी सीएनजी थी, बेस वेरिएंट रहने वाली है। भैया हमारे पास है मैनपुरी। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। 300 किलोमीटर दूर से? हाँ जी, लगभग सारा काम हो चुका। बेस सूट आपका, जो उनको रिक्वायरमेंट थी, जो उनको जरूरत थी, वो सारा काम करके दिया है जी। एक अंडर बजट काम करके दिया भैया को हमने, पूरा अंडर बजट रहने वाला। तो भैया फ्रंट का सेटअप इतना वाइड लगा रहा है, क्लैरिटी इतनी अच्छी आ रही है, क्या कुछ इंस्टॉल है आगे हमारा? हेडलाइट लगाई है 250 वॉट की एलईडी। 250 बिल्कुल ठीक है। नीचे लगा दिया मिंडा का फॉग लैंप जी, उसमें प्रॉपर 140 वॉट की एलईडी। 140 वॉट की एलईडी प्रॉपर, मतलब इतना ब्राइट सेटअप अपने पास। बिल्कुल भैया को लाइट चेक करा दी हमने अंधेरे के अंदर भी। ठीक है भैया। भैया अभी एक बार बताओ, इतने बड़े बड़े वॉट के लगा दी तो इसमें बैटरी पे लोड तो नहीं पड़ेगा? नहीं, रिले लगाया है नीचे फॉग लैंप का, आपसे चार्ज लिया जाएगा इन चीजों का भी जी। नीचे मिंडा का फॉग लैंप लगाया 1400 रुपए का, 800 की रिले वायरिंग आ गई भैया। अच्छा ठीक है। हेडलाइट में कैनवास लगा दिया प्रॉपरली, प्रॉपर उससे लोड नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, तो भाई देखो लोड भी नहीं पड़ेगा, तो आप बेफिक्र अपनी एलईडी अपग्रेड करवा सकते हैं यहाँ पे। बाकी बात की फ्रंट में और क्या कुछ अपग्रेड है अपने पास, क्या कुछ होता है? एलईडी का अपग्रेड कर दिया भैया, पूरा फ्रंट में व्हाइट सेटअप कर दिया है। ठीक है। एक फॉग लैंप पे गार्निश लगा दिया, 650 के एमआरपी रहने वाले, उसमें 95% फ्लैट ऑफ रहता है, मारुति का ओरिजिनल पार्ट रहने वाला अपना। ठीक है भैया जी। साथ में लगा दिया एक स्किड प्लेट आगे पीछे दोनों, देख लो भाई स्किड प्लेट भी आप इंस्टॉल कर दिए भाई। ये भी आपकी जेन्युइन रहती है मारुति की, एंड क्वालिटी जो भाई जेन्युइन आपको मिलने ही वाले हैं यहाँ पे। ये भी ओरिजिनल मारुति का पार्ट आता है भैया, पुराना पार्ट हटा के नया पार्ट लगा देते हैं, रिप्लेसमेंट पार्ट इसे हम कहते हैं। ये 1000 रुपए के रेंज में कॉस्ट करता है दोनों आगे पीछे दोनों। ठीक है आगे फ्रंट से गाड़ी में दो पार्ट ओरिजिनल लगाए थे, एक तो फॉग गार्निश जी, एक अपना स्किड प्लेट। ठीक है भैया। फॉग लैंप की कॉस्टिंग 2200 रुपए पड़ती है, एलईडी कॉस्ट अलग से आती है, जो भी आपको लगाना वैसा। ठीक है। हेडलाइट में 250 वॉट की एलईडी लगाई, जिसके हमारे पास 3500-4000 से स्टार्टिंग होता है, 9500-10000 तक की रेंज में हमारे पास एलईडी अवेलेबल होता है एनी टाइम। ठीक है। तो अब साइड प्रोफाइल में जाए तो क्या कुछ मिलेगा? साइड प्रोफाइल में भैया अलॉयज लगा दिया भैया, मारुति ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट। ठीक है भाई, जेन्युइन पार्ट ओरिजिनल आपको मिलने वाले हमारे मारुति के। नट चेंज कर दिया, इसके एडिशनल चार्ज दिया जाता है। ठीक है। इससे हमने कैप लगा दिया, इंक्लूड होता है अलॉय के। अच्छा, इंक्लूड रहता है अपने साथ। ठीक है, तो भाई देख लो ये कुछ आपको लुक मिल जाती है यहाँ पे। बाकी भैया अगर आफ्टर मार्केट में जाते हैं तो ऑप्शन कितने होंगे? सारे मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट, जो आपको चाहिए हम तो ओरिजिनल में आपको शोकेस करता हूँ। बाकी आफ्टर मार्केट सारे मिल जाएंगे, 16 इंची, 17 इंची, 18 इंची। तो मतलब प्राइसिंग की बात किया, क्या कुछ एक आइडिया होता है? 19000 रुपए का अलॉय रहने वाले हैं। बाकी नट की कॉस्टिंग अपनी एडिशनल हो जाती है जी। ठीक है भैया, कैलिबर पेंट कराते हैं उसकी कॉस्टिंग एडिशनल आती है। ठीक है, रिम अलॉय के बाद देखा जाए तो। हाँ जी, ये जो भी मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ रिम लेके बता रहा हूँ, अगर रिम लेके 1000 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है भैया। मिरर भैया चेंज नहीं करवाया, अगर मिरर चेंज करवाते 9000 रुपए जी। टॉप मॉडल के मिरर आपको कॉस्ट पड़ जाएगा भैया 9000 रुपए के अंदर, बोथ साइड के। हाँ जी, नए मिरर की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसी में मोटर लगाओगे 6000 रुपए। ठीक है, तो भाई देख लो, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होता है नए मिरर की हमेशा रहता है भैया। ठीक है, तो भाई देख लो ऑप्शन दोनों अवेलेबल है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसकी आपकी जेब में भाई 9000-6000 तो लगवा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। साइड प्रोफाइल से भैया रेन वाइजर लगा दिया, मारुति का ओरिजिनल पार्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। माउंटेन जी, विंडो गार्निश लगा दी। ठीक है, माउंटेन का लोगो आपको मिल जाता है यहाँ पे। विंडो गार्निश की 95 पीसेस में है, आफ्टर मार्केट यहाँ पे कट आ जाता है। अच्छा, आफ्टर मार्केट इधर कट आता है हमारा। बिल्कुल, यहाँ पे कट आ जाता है। साइड मोल्डिंग लगा दी भैया, यहाँ पे माउंटेन मिल जाएगा आपको। भाई साइड मोल्डिंग आपको मिल जाती है भाई, माउंटेन से होती है, जेनुइन की पहचान है इसके अंदर। तो ये आपका भाई इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग कुछ भी लगवाओ तो भाई माउंटेन देखना लोगो है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तीनों की ऑन एमआरपी पे 2350, 2250, 2350 जी, तीनों के एमआरपी पे 95% फ्लैट रहने वाला। ये उन कस्टमर्स में रहता है जो हमसे एक अच्छा खासा काम करवाते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ टाइप का काम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद अगर बात किया है रूफिल वगैरह भी इंस्टॉल, प्रॉपर रूफिल लगा दिया भैया, गाड़ी हिल लिया, आप देखोगे तो ये रूफिल हमारा नहीं हिल रहा जी। तो भाई क्वालिटी चेकआउट कर लो भाई, कितने अच्छे से पेस्टिंग की गई है, एंड ये कुछ आपके मिलते हैं फिनिशिंग, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप पूरी। ठीक है, तो भैया हैंडल पे क्रोम लगा दिया है जी, ये हमारा सीएनजी ब्रांड का रहने वाला है। अच्छा, इसका कोई वो तो नहीं करेगा जंग वंग लग जाएगा? नहीं करेगा भैया इसके ऊपर। चलो भाई, ये तो बड़ी चीज है। बैक में कुछ अपग्रेड है इस बार का? बैक साइड से तो गाड़ी में काम हुआ है, इसके अंदर रियर स्किड प्लेट लगाया भैया। ठीक है, एक रियर गार्ड लगा दिया सेफ्टी पर्पस से। ठीक है, तो भाई देखो सेफ्टी पर्पस का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हमने रियर गार्ड लगा दिया, एंड स्किड प्लेट भी आपको बैक का देखने को मिल जाता है। गाड़ी के भैया ने बताया 1000 रुपए कस्टमर था आगे पीछे का। हाँ जी, स्किड प्लेट 1000 रुपए का आगे पीछे दोनों पड़ेगा। ब्लैक वाला रियर गार्ड 1900 रुपए पड़ता है, अगर आप होल पाइप लगवाएंगे 1400 रुपए पड़ता है। ठीक है, बैक में भैया रियर में कैमरा लगा दिया, ब्लॉक पंक का DS05, क्योंकि इसमें कैमरा में सिस्टम कंपनी का लगाया है जी, तो इसमें ब्लॉक पंक का कैमरा लगा दिया। आउटर पार्ट से यही काम था गाड़ी का, मतलब बाहर से जो सारा काम था हमने कर दिया, अंदर से कुछ किया अपग्रेड में? हाँ जी, हाँ जी, आओ बेस मॉडल था भैया। तो भाई अंदर से दिखाते हैं क्या अपग्रेड रहने वाला है। डोर में अपग्रेड क्या है इस बार पहले ये बताओ? सबसे पहले डैशबोर्ड की किट लगा दी, सेट ऑफ 7 पीसेस अपनी, ये देख लो भाई सेट ऑफ 7 पीसेस यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है हमारी, एंड पूरी इंटीरियर किट आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ आपका रहने वाला है, ये देखो पूरी लुक आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पे।
ऊपर से लेके भाई नीचे तक ये देखो जो स्नेक आता है ये भी आपका प्रॉपर देखने को मिलता है। बाकी बात कीजिए भैया और क्या बोलते हैं स्टीयरिंग में क्या अपग्रेड अपना? स्टीयरिंग टॉप मॉडल जेडएक्स प्लस, ये लो भाई टॉप मॉडल जेडएक्स प्लस का आपको स्टीयरिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड भाई देख लो मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई कुछ और चिपका रहे, जो चीज है वो आपको मिल रहा है जेन्युइन डब्बा पैक मिलेगा। सही है भैया बिल्कुल सेट ऑफ 7 पीसेस का ये डैशबोर्ड किट लगा दिया 2900 रुपए के रेंज में। ठीक है इनर हैंडल लगा दिया चारों 500 रुपए के रेंज में जी। स्टीयरिंग चेंज किया टॉप मॉडल जेडएक्स प्लस 3500 रुपए के रेंज में। ठीक है जिसमें आपको सिल्वर मिल जाएगा, डुअल क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर इसमें नहीं आता भैया जी। अगर आपको क्रूज कंट्रोल चालू करवाना है तो क्रूज कंट्रोल भी चालू हो जाएगा, इसके साथ मीटर चेंज होगा आपका। अच्छा पूरा मीटर भी चेंज होगा? हाँ जी मीटर चेंज होगा, क्रूज कंट्रोल आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो मतलब मीटर का क्या कुछ रेंज पड़ता है? अगर आपकी सीएनजी गाड़ी है तो उसका मीटर 19000 रुपए का है, अगर पेट्रोल गाड़ी उसका मीटर 16000 रुपए का। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखो उसमें लगाया मीटर भी कई बार। ठीक है गुजरात नंबर गाड़ी में लगाया था मीटर भी, आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके। बाकी बात कीजिए भैया इसके अंदर सीट का वगैरह क्या अपग्रेड अपने? फुल बकेट लाइफ टाइम गारंटी वाले सीट का रहने वाले भैया जी। ब्लैक विद कॉफी मैंने चूज किया कोई इंटीरियर के हिसाब से भाई, एज पर इंटीरियर ये आपका यहाँ पे लगा दिया हमारी सीट के बस। एंड ये कुशन वगैरह का चार्ज है फ्री है ये? नहीं नहीं चार्ज दिया जाएगा भैया फ्री से, फ्री कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, फ्री कुछ भी नहीं है बिल्कुल फ्री कुछ भी नहीं देते हम लोग, जो देंगे आपको बेस्ट रेट में बेस्ट क्वालिटी देंगे। ठीक है इसके 500 रुपए ले जाते हैं दोनों पार्ट के। अच्छा ठीक है भैया फुल बकेट सीट को लगा दिया थाई सपोर्ट के साथ, ये देख लो भाई थाई सपोर्ट भी आपको देखने मिल जाएगा, मतलब कंफर्टेबल तो चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप ये अगर आप मेरे से ये कॉम्प्लीमेंट मांगोगे तो मैं इसका प्राइस इसका सीट को मैं ऐड कर दूंगा जो मार्केट में चलता है। अच्छा जैसे मार्केट में चलता है जो स्कैम चलता है मार्केट में, वो सीधा रूल रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सेकेंडरी बात भाई वाली फ्लोरिंग कर दी है प्रॉपर्ली। ठीक है चेकमेट की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, चेकमेट चेकमेट की आपको बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी चेकमेट की बैजिंग का हो रहा। एंड भाई मेनली बात किया तो भाई आपकी पूरी वाटर प्रूफ है और जो मिट्टी दिख रही है भाई इजी सा हो जाएगी गीले कपड़ा मारते बिल्कुल। ठीक है तीन तरीके की फ्लोरिंग आती है, सबसे टॉप रेंज में जो अपनी आती है चेकमेट की फ्लोरिंग आती है वो हमने लगा लिया। ठीक है साथ वेलकम प्लेट लगा दिया ब्रेजा का बिना लाइट वाला, भैया को बिना लाइट के चले बिना लाइट के लगा के दिया भैया को। लाइट वाला चाहिए तो अवेलेबल होता है अपने पास? हाँ जी लाइट वाला भी अवेलेबल है भैया। ठीक है तो भाई ओरिजिनल भी अवेलेबल, अगर किसी भाई को ओरिजिनल चाहिए तो उसकी कॉस्टिंग 2500 पड़ती है आपको डिस्काउंट, जो कि भाई आपने चेंज किया था। हाँ जी वो भी अपने पास है, वो भी एक नंबर अच्छी चीज रहती है उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है तो भाई देखो ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल रहा है सारे। एंड अंदर आ गया भैया ओरिजिनल मारुति का पार्ट 1900 रुपए के रेंज में, 1900 रुपए में। हाँ जी इस पे हमने सॉफ्ट टच लगा दिया भैया, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया गया। ठीक है तो भाई देखो यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह भी कर दिया गया, पूरा आर्म रेस्ट इंस्टॉल कर दिया गया, तो भाई बड़ी चीज जेन्युइन चीज आपको मिलने वाली है भैया। बेसिक काम ही करवाया जेन्युइन काम करवा के लिया है हमसे, कोई मतलब एक्स्ट्रा चीजें नहीं करवाई, जैसे भैया डैम्पिंग नहीं कराई जी, उनको जरूरत थी तो उन्होंने नहीं करवाई, मतलब जो ऐसे एम्बिएंट लाइट होगा वैसे भी नहीं, हमने जिद मारा कि भैया लगाओ 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 डैम्पिंग एम्बिएंट लाइट नहीं लगवाई हमने, नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं जी। पीछे हेडरेस्ट लगाया भैया दोनों 1000 रुपए के रेंज में, ये देख लो भाई एड्रेस भी एक बार चेकआउट करा दूं, ये कुछ आपके एड्रेस रहने वाले यहाँ पे तो मतलब 1000 रुपए के अंदर वो पीछे के दोनों एड्रेस हमारे दोनों प्रॉपर वर्किंग। और इस गाड़ी में जो हमने लगाए भैया तो सीट एडजस्टेबल लगाए जो हमने कई बार लगाया गाड़ी के अंदर, पहली बार नहीं है ये देख लो, आप देखोगे तो ये हमारी सीट नीचे हो रही है, ये देखोगे तो आप ये देखो मेरी हाइट यहाँ से आप ये देख लो भाई नीचे हो गई जी, या वो ऊपर हो जाएगी ये देख लो भाई सीट ऊपर नीचे प्रॉपर ये हो रही है देख सकते हैं, मेरा सर ये छत पे टच हो जाएगा भैया ये देखो आप देख लो भाई मतलब इतना इतना गैप यहाँ पे आपके था उससे देख लो इतना गैप आ जाता है मोटा मोटी। तो भाई देख लो ये भी इंस्टॉल कर दिया आपने और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार लगाया इसकी कॉस्टिंग 9500 रुपए पड़ती है विद इंस्टॉलेशन विद एवरीथिंग, इसमें आपका ये वाला पार्ट इंक्लूड होता है जी, बड़े वाला पार्ट इंक्लूड होता है जैसे गोल पार्ट चार तीन चार पार्ट इंक्लूड होते हैं। ठीक है और मारुति में डब्बा पैक होता है, डब्बा इसका भैया ने रख दिया देखो पीछे रखा हुआ भैया, देखो भाई डब्बा भी रखा पूरा मारुति सुजुकी जनरल पार्ट्स का। बात किया तो भाई ये देख लो पूरी बेजिंग के साथ पूरा देख सकते हैं, मतलब हर जगह से भाई कहीं से भी चेक करो जेन्युइन चीज मिलने वाली है बिल्कुल, और जो भी सामान निकाला गया था हब हो गया स्टेयरिंग हो गया सारा वापस जाएगा बिल्कुल, सब भैया ले लिया हमने वापस किया, हमारा कोई रोल नहीं इसके अंदर। ठीक जब गाड़ी टॉप बनती है तो भी इसमें स्टेयरिंग में टॉप वाला लगा दिया था सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है ठीक है सिस्टम इसमें मैं लगाया भैया VXI वाला जी, जो अपना हरमन का था कंपनी का ओरिजिनल। ठीक है ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ, वो भी मारुति का ओरिजिनल फ्रेम है, पेंटेड पार्ट नहीं रहेगा भैया। ठीक है तो भाई ओरिजिनल फ्रेम में यहाँ पे डिलीवरी आती है, मतलब मेनली तो भाई ओरिजिनलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी मारुति की बिल्कुल, इसमें भैया ने ओरिजिनल पार्ट पे काम करवाया जी, डिस्प्ले भी यहाँ पर भैया ने ओरिजिनल हमसे लगवाया VXI का। ठीक है हमने आगे लगाया हर्ट्ज़ के कंपोनेंट, पीछे लगाया हर्ट्ज़ का कोई भी अच्छा साउंड सेटअप करके दिया भैया को। ठीक है तो भाई साउंड सेटअप भी आपको बढ़िया मिलने वाला है बिल्कुल, भैया मेनली आना पड़ेगा सब काम के लिए। तिवारी का डेकोर का रहने वाला भी अपना एड्रेस करोल बाग में अपना लोकेशन है, बाकी आप मेरे से व्हाट्सएप मांगेंगे मैं आपको कोटेशन भी भेज दूंगा लोकेशन भी भेज दूंगा। ठीक है तो भाई देखो ये सब आपको देखने को मिलता है, बाकी कस्टमर से बात करते हैं पूछते हैं काम कैसा लगा। सो गाइस ये हमारी गाड़ी के प्राउडर, कैसे हो सर आप? बढ़िया भाई, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सनी यादव। और कहाँ से आए हैं हम? जी मैनपुरी मुलायम सिंह की धरती से आए हैं, पूर्व रक्षा मंत्री जी। तो सर अब ये बताइए यहाँ से कितना दूर होगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आए? यहाँ से लमसम 300 का है, 300 किलोमीटर दूर का, 300 किलोमीटर का। तो सर इतनी दूर से आप यहाँ पे आए तिवारी का डेकोर पे, कैसे पता चले यहाँ के बारे में आपको? ये हमें हमारे मित्र ने बताया था जी, बाकी वीडियो से भी पता चला आपकी जी। तो सर आपने जो भी वीडियो में देखा जो आपके मित्र ने आपको बताया उस हिसाब से यहाँ पे जो भी आपने काम करवाया है कैसा लगा काम?
काम A1 है तिवारी जी का, काम में कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। आएगा, काम बहुत बढ़िया नंबर का काम है जी। पूरा उन्होंने प्रॉपर एकदम संतुष्ट खुश करके दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एंड सर जो भी आपने पार्ट लगवाया आपने खुद चेक किया जेन्युइन है हमारे? नहीं नहीं जेन्युइन है, कोई आपकी वायर कटिंग तो नहीं की? कोई वायर कटिंग नहीं। तो सर ये सब काम को देख के नंबर दे रहे हैं, 10 में से क्या नंबर देना चाहिए? मैं तो 10 दूंगा, बाकी अभी पेमेंट हुआ नहीं है जी, वो भी बात करेंगे पेमेंट। चलिए वो तो आपका हो जाएगा। एंड सर जो आपको यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देंगे कि यहाँ से काम कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? मैं तो भरोसे के साथ आया था, यहाँ बहुत लोग हैं भैया, कोई वैसा मतलब किसी के लिए प्रमोशन नहीं है जी, ये दिल की बात है, हम तो बिट्टू भाई दिल से आए थे जी। बाकी में बहुत शानदार काम करके दिया है, मतलब हमने जैसा सोचा था सेम वैसा ही करके दिया है। वीडियोस में दिखाते हैं ऐसा मसल ना झूठ झाट है, एकदम सच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरा सेटिस्फाई आप काम से? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। पेमेंट हो जाए बढ़िया और बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी बिट्टू भाई कर देंगे, ऐसे बुरे आदमी नहीं, मस्त आदमी है। ओके, काम बहुत जबरदस्त है, कोई चिंता मत करिए काम की, निश्चिंत होकर आ जाइए। हजार दो हजार ज्यादा लगे कोई, आप ज्यादा हम तो दे होते हैं ज्यादा, ऐसा अच्छा काम तो हो जाए भाई, लाखों का काम हो रहा है जी। सही बात है, मतलब आप कहते हैं मतलब अगर आप बेस्ट टॉप लेते हैं तो बिल्कुल लाखों काम करें, अच्छा ही काम हो। सही बात है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, टाइम देंगे। ओके ओके।